हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश है। मैं बात करने वाला 2022 हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट वेरिएंट के बारे में, जो कि अपने ऑफिशियल लॉन्च डेट से पहले जो है वो लेकआउट हो गए हैं। मतलब जो हुंडई ब्रांड है वो अपने इंडोनेशिया ऑटो शो पे जो है वो इसे शोकेस करने वाली है। एंड इसके शोकेस करने से पहले ही जो हुंडई क्रेटा का जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है वो लेकआउट हो गया है। एंड मैं बात करने वाला हूँ कि जो क्रेटा का जो फेसलिफ्ट मॉडल है फ्रेंड्स, के अंदर में किस तरह के चेंजेस, फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन जो है हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो क्रेटा का फ्रेंड जो फेसलिफ्ट वेरिएंट है फ्रेंड, हमें हुंडई के जो टक्सन सोर्स पैनोरामिक ड्यूल फ्रंट ग्रिल के साथ हमें इंडिकेटेड डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड, इसके अंदर हमें जो एलईडी हेडलैम्प्स है वो हमें इसके वर्टिकली माउंटेड फ्रंट बम्पर में जो है वो देखने को मिलेंगे। एंड फ्रेंड, इसके अंदर में सिल्वर एसेंट्स एंड सिल्वर हाईलाइट्स जो है वो हमें, एंड जो सिल्वर हाईलाइट्स है वो हमें इसके साइड स्किड्स एंड रिवर्स रियर बम्पर में भी जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर हमें इसके रीडिजाइन के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, जो इसका टेल गेट है वो हमें ट्विक के साथ, हमें जो स्टॉप लैंप पोजीशन है वो हमें इसके रूफ में देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके इंटीरियर के बारे में बात करूं तो फ्रेंड, वो भी हमें रिफ्रेश देखने को मिलेगा। फ्रेंड, इसके अंदर हमें 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले एंड बोस का स्टीरियो सिस्टम के साथ हमें एयर प्योरीफायर, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कूल ग्लो बॉक्स एंड इसके अंदर में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ हमें ऑटो होल्ड फंक्शन एंड और भी काफ़ी सारे फीचर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें अब से एडास सेफ्टी फीचर्स भी जो है हमें देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अंदर हमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलेज इन वार्निंग एंड और भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें तो फ्रेंड, वो हमें सेमी देखने को मिलेगा, जो कि हमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पायर्ड पेट्रोल इंजन जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल तो इसके अंदर इतने ही चेंजेस देखने को मिलते हैं जो मैंने आपको बताया। और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मैं अपने एक नया वीडियो लेके आऊँगा। एंड फ्रेंड, इसी तरह से अगर आपको हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने हो तो फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमोटिव वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।